रियलमी अपने फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन, जी हाँ दोस्तों, रियलमी की तरफ से जल्दी फ्लेक्सी फ़ोन देखने को मिलेगा जिसका नाम रियलमी GT 5G है। इसको रियलमी अपने घरेलू मार्केट चीन में 4 मार्च को लॉन्च करेगी। रियलमी के वाइस प्रेसिडेंट ने वीवो पर लॉन्च डेट की जानकारी देते हुए एक इनवाइट पोस्टर शेयर किया है। इस फ़ोन को कंपनी सबसे पहले चीन में लॉन्च करेगी, हालांकि उम्मीद है कि बाद में ये इंडिया में भी लाया जाएगा। वीवो पर लॉन्च डेट की जानकारी देते हुए कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने बताया कि फ़ोन में स्नैपड्रैगन 888 की प्रोसेसर के साथ पेश किया जाएगा। इस स्मार्टफोन में GT इंस्पायर्ड डिजाइन के साथ रेक्टेंगुलर कैमरा यूनिट होगा जिसमें 3 कैमरा सेंसर्स होंगे। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले इस फ़ोन को टेना लिस्टिंग में भी देखा गया था। रियलमी वीपी के अनुसार रियलमी GT 5G में जो स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट यूज किया जाएगा वह स्पीड और डिजाइन में काफ़ी अच्छा रहने वाला है। पिछले कुछ समय से रियलमी के रेस कोडने वाले स्मार्टफोन को लेकर जानकारी सामने आ रही थी। माना जा रहा है कि रेस ही रियलमी GT 5G होने वाला है जो कि इंडिया में लॉन्च होगा। टेना लिस्टिंग के अनुसार अगर फ़ोन के कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो फ़ोन में 6.8 इंच का पंचोल ओलेड पैनल दिया जा सकता है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ होगा। तो देखा जाए तो कंपनी इस फ़ोन के डिस्प्ले में कमी नहीं कर रही है। साथ ही ये कंपनी का पहला स्मार्टफोन होगा जो 125 वाट की अल्ट्रावाइड फास्ट चार्जिंग का साथ आएगा। कैमरा सेगमेंट की बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा दिया जाएगा जिसका प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का होगा। फ़ोन के बैक पैनल में नीचे की तरफ आपको GT का लोगो बड़ा सा देखने को मिल जाएगा। डिवाइस में 12 GB के रैम के साथ 256 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। फ़ोन एंड्रॉयड 11 OS पर बेस्ड रियलमी UI पर रन करेगा। इतना ही नहीं, फ़ोन भारत में BIS सर्टिफिकेशन पर भी देखा गया है, मतलब कि कन्फर्म है कि जल्द ही इंडिया में भी एंट्री लेने वाला है। वहीं रियलमी के इस फ्लैगशिप फ़ोन की प्राइसिंग की बात करें तो एक्सपेक्टेशन यही लगाया जा रहा है कि यह 30,000 के बजट में आने वाला है। तो आपके हिसाब से ये कैसा फ़ोन रहने वाला है? अगर रियलमी इस स्पेसिफिकेशंस के साथ इस स्मार्टफोन को लेकर आती है तो आपके हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है या नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके आप साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें।